आज हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। ये हमने पहली कक्षा से ही सीखा है, लेकिन फिर भी इसके बारे में क्लास 7 और क्लास 8 में बोर्ड के अगर एग्जाम्स रहेंगे तो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि वर्णमाला क्या है और वर्णमाला कितने भागों में बांटी जाती है। वर्णमाला के दो भाग है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। इन इंग्लिश वी सॉ दैट स्वर मीन्स वोवेल्स। इन इंग्लिश अल्फाबेट वी सॉ दैट वोवेल्स ए ई आई ओ यू। ऐसे ही हिंदी में वर्ण होते हैं अ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा और रू। तो स्वर के दो भाग है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मीन्स स्मॉल साउंड वोवेल्स, दीर्घ मीन्स लॉन्ग साउंड वोवेल्स। ह्रस्व में जिनका उच्चारण झट से हो जाता है, जल्दी से हो जाता है, अ ई उ रु। और दीर्घ मीन्स जिसके उच्चारण के लिए, जिसका प्रोनाउंस करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे आ ई उ ए आई ओ आउ। ये दीर्घ, इसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर। दो बाटों में स्वर बांटा जाता है। व्यंजन, व्यंजन हमें पता है, जैसे व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की सहायता मतलब जिसमें हम अगर वोवेल्स ऐड कर दे तो व्यंजन तैयार होते हैं। जैसे यहाँ व्यंजन्स के अलग अलग प्रकार है, हमने आपको बुक में लिखने दिया था, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, आगत, संयुक्त। जो भी वर्ण, पूरे व्यंजन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन मतलब क ख ग घ न च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। यह होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मतलब, इसे हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? स्पर्श मतलब जब हमारे मुंह में दो मुंह के दो पार्ट, अलग अलग पार्ट जब एक दूसरे को जोड़कर कुछ शब्द तैयार होते हैं, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ वर्जन व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य र ल व। अंतस्थ मीन्स जो अंदर के गले से जो आवाज़ निकलती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्म, उष्म व्यंजन का मतलब है कि जब हम किसी व्यंजन की प्रोनाउंस करते हैं, किसी व्यंजन का प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग से वो व्यंजन बाहर निकलते हैं, जैसे श श स ह। आगत व्यंजन, आगत में यहाँ पे व्यंजन को डॉट दिया जाता है, ज और फ। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहते हैं जैसे दो स्वरों को या फिर दो व्यंजन को मिलाकर एक व्यंजन तैयार होता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, क्ष में हमें दो व्यंजन मिलते हैं, क और श। क और श को अगर हम जोड़ेंगे तो क्ष तैयार होता है। त्र, त र त्र। न, द और न मिला के, न और य मिला के ज्ञ हो जाएगा। श्र, श और र मिला के श्र हो जाएगा। इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस व्यंजनों को हमें याद रखना, और इस व्यंजनों की अगर हमें परिभाषा, इस व्यंजनों के बारे में अगर हमें एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से पता है, तो हम कोई भी शब्द बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। ह्रस्व दीर्घ, ये हो गए स्वर के दो भाग, और व्यंजन के भाग यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, सभी व्यंजन के भाग है। आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। होमवर्क आपका रहेगा, ड्रॉ चार्ट इन योर नोटबुक। इस तरह से आपको आपके नोटबुक में एक चार्ट ड्रॉ करके तैयार करना है।